गाइस, वेलकम टू माय चैनल ग्लोरिया किचन। तो आज मैं बनाने वाली हूँ मसाला भिंडी। तो मैंने उसके लिए लिया है आधा किलो भिंडी, प्याज और दही को पीस के लिया है, टमाटर की प्यूरी ली है, गरम मसाला लिया है, अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक स्वाद अनुसार और ये कुछ पाउडर मसाले। तो चलिए सबसे पहले हम भिंडी को फ्राई कर लेंगे। तो मैंने लिया एक कढ़ाई, इसमें मैं डालूंगी तेल और भिंडी को मैंने इस शेप में काट लिया है और इसे मैं बीच में से काट लूंगी। फ्लेम को मैं हाई रखूंगी, इसमें चुटकी भर नमक डाल दूंगी तेल में। देखिए गाइस, तेल गर्म हो चुका है, भिंडी को हम तेल में डाल देंगे, फ्राई कर लेंगे। भिंडी फ्राई करके मैंने ले लिया है, अभी मसाला भिंडी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने कढ़ाई में वही तेल रखा है जिसमें मैंने भिंडी फ्राई की थी। तो मैंने लिया है एक तेज पत्ते को, मैंने एक लौंग, एक हरी इलायची और एक छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा। सबको मैं फ्राई कर लूंगी। ये है 2 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, इसे अच्छे से भून लेंगे। देखिए गाइस, अदरक लहसुन का पेस्ट लाल हो गया है, ये इसमें डालेंगे। मैंने इसमें 2 बड़े साइज के ऑनियन लिए थे और 1 कटोरी भरकर दही, इसको दोनों को मैंने पीस के लिया है। दही का पानी अच्छी तरह से सुखा लेंगे, इसे हम ढककर पकाएंगे। इसका लीड हटा देंगे। अभी 1 मिनट हो गया है, 1 मिनट से दही फ्राई हो रही थी। देखिए दही का पानी सूख गया है। ऑयल सेपरेट हो चुका है। ये मैंने 1 टीस्पून ऑनियन कैरेमलाइज पेस्ट लिया है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से इसकी रेसिपी देख सकते हैं। इसे भी भून लेंगे। ऑनियन का पेस्ट भी भून चुका है, देखिए ऑयल निकल रहा है साइड में। अभी इसमें डालेंगे टमाटो की प्यूरी, ये 2 बड़े टमाटो है, मैंने इसकी प्यूरी बना के लिए, इसे भी भून लेंगे। इसे कवर करके 2 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। इसका लेड हटा देंगे। ऑनियन का पेस्ट अच्छे से कुक हो चुका है, टमाटो का पेस्ट भी अच्छे से कुक हो चुका है, तेल छूटने लगा है। इस स्टेज पे हम डालेंगे मसाले, पाउडर मसाले 1 टेबल स्पून, धनिया पाउडर 1/2 टेबल स्पून, गरम मसाला 1/2 टेबल स्पून, जीरा पाउडर 1/2 टीस्पून, रेड चिल्ली पाउडर 1 टेबल स्पून भरकर, कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर 1/2 टीस्पून, हल्दी पाउडर। इसे मिला लेंगे। मसालों को भी भून लेंगे तेल में। फ्लेम को मैंने लो रखा है। देखिए गाइस, मैंने 1 मिनट के लिए ढक के पकाया था, इसका तेल छूटने लगा है। गिलास भरकर गुनगुना पानी डालेंगे, सभी मिक्स कर देंगे। इसमें मैंने 1.5 ग्लास गुनगुना पानी डाला है। नमक हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज करेंगे। इसे हम मिला लेंगे। देखिए इतनी गाढ़ी है, इतनी ही गाढ़ी हमें रखनी है। अभी इसको एक बॉयल आ जाएगा, फिर उसमें हम भिंडी डाल देंगे।
2 मिनट के लिए कवर कर लेंगे, हाफ लीड हम खुला रखेंगे। 2 मिनट हो चुके हैं, देखिए ये उबल रहा है। इसमें हम फ्राई हुई की हुई भिंडी डाल देंगे, इसे मिला देंगे। फ्लेम को मैंने मीडियम पे रखा है। ये 1 टीस्पून कसूरी मेथी है, ये इसमें डाल देंगे, मिक्स कर लेंगे। देखिए गाइस, दो मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे इसे कुक कर लेंगे। 2 मिनट हो चुके हैं, देखते हैं। देखिए गाइस, मेरी रेसिपी बनके रेडी हो चुकी है। गैस को करेंगे ऑफ और मैं इसे डिश आउट करके आपको बताती हूँ। देखिए गाइस, मैंने डिश आउट कर लिया है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।